नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज हम आपसे जरूर कहना चाहेंगे, दोस्तों यह जिंदगी है और यह जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव बना रहता है, पर दोस्तों अक्सर कई बार बिना गलती के लिए बहुत कुछ सुना पड़ता है। आपके जीवन में ऐसे बहुत बार होता है जब आप अपनी जगह पर सही होते हैं और सामने वाला व्यक्ति बार बार आपका दिल दुखा आता है, आपकी कदर नहीं करता है, आपकी वैल्यू को नहीं समझता है। हम आपको सिर्फ 5 ऐसे काम बताने जा रहे हैं जिन्हें आप तब करोगे जब आपकी कोई इज्जत उछाले, बीज अर्जित करे, आपकी वैल्यू ना समझे या आपकी कदर ना करे। तो आपको ये 5 काम करने हैं, यह आपकी खोई हुई वैल्यू को आपके जीवन में फिर से लौटा देंगे। किसी के पीछे भागने की आपको कोई जरूरत नहीं, बिना किसी के पीछे भागे आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी, लोग आपका सम्मान करेंगे, आपके बिना कुछ कहे बिना कुछ किए लोगों के सामने आप अपना महत्व दिखा पाओगे। इन तरीकों से भले ही आपकी खोई हुई वैल्यू वापस लाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन ये तरीके 24 कैरेट सोना है। पॉइंट नंबर 1 पर, जो इंसान आपके जीवन से जाना चाहता है उसको आप राजी खुशी चले जाने दो। जिस पल किसी व्यक्ति ने आपको छोड़ने का मन बनाया हो, आपके विरोध में जाने का इरादा बना लिया हो, उसी पल से उसको उसके रास्ते पर जाने दो। उससे कह दो, मुझे जहां जाना है जा, तुझे जो करना है वो कर। उस व्यक्ति को यह एहसास दिलाए कि उसके जाने से या उसने आपको वैल्यू कम देने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपकी वैल्यू उससे प्रभावित नहीं है। भले ही आपके मन में कई तरह की उलझाने चल रही हो, भले ही आपको अंदर ही अंदर रोना आ रहा हो, अंदर से आप भले ही टूट चुके हो, लेकिन कम से कम उस पल में, उस व्यक्ति के सामने, उस परिस्थिति में, जिस पल आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी कोई परवाह नहीं की रहा, आपकी सही होने के बाद भी आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, आपको इज्जत नहीं दे रहा, तो उसी पल उसका रास्ता छोड़ दे और उसके रास्ते से हट जाएगा वो उसके रास्ते। आप अपने रास्ते जहां कदर ना हो वहां से चुपचाप निकल जाने में भलाई है। ऐसे लोगों को जहां जाना है जाने दो, जिंदगी से आजाद कर दो। उस व्यक्ति को जैसा करना होगा वो करेगा, उसको जहां जाना होगा वहां जाएगा। हाँ, हम यह बात मानते हैं कि उनको भूलना, दिल से निकाल फेंकना, उन बातों को नजरअंदाज करके आपकी भावनाओं को संभालना, ये सब आसान नहीं होगा, लेकिन उस व्यक्ति ने अगर दिल छलनी कर दिया हो तो उसको आप अपने मोबाइल से, दिल से, दिमाग से, सोशल मीडिया से हटाने की कोशिश करो। करो हटा दो उनको जहां से हटा सकते हो, हर जगह से निकाल दो उस इंसान को। अब आप यह मत सोचिए ऐसा करने से कैसे वैल्यू आएगी। अरे भाई आएगी, अभी तो और भी पॉइंट्स आपको जानने हैं, तभी तो पता चलेगा। उस व्यक्ति को आजाद करने के बाद अपने मन में जो सुकून और शांति होगी, कुछ समय के बाद में वो अलग स्तर की होगी। किसी ने भी आपको तकलीफ दे के आपका इतना ज्यादा दिल दुखाया है, आपको हाइट किया है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिसने भी आपकी बेटी की हो उसको एक बच्चा समझकर माफ कर दीजिए, उसकी नासमझी पर दया कीजिए, क्योंकि कमी उसकी बुद्धि में है, उसकी समझ में है, आपने नहीं है। अगर आप अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि पॉइंट नंबर 2 पर तभी जा पाएंगे जब आप अकेला महसूस करेंगे। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, दिन रात एक करते हैं, तब कहीं जाकर आपके लिए सटीक जानकारी ले आते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों प्लीज, दोस्तों आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेट मिलती है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों और हमें हिम्मत मिलती है आपके लिए अच्छे अच्छे नए नए वीडियो बनाने की ताकत मिलती है। हाँ दोस्तों, आपका तो एक रुपया भी नहीं लगता है लाइक और सब्सक्राइब करने में,
तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे का वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ, पॉइंट नंबर दो, उस इंसान के साथ रहिए जो आपके साथ निरंतर खड़ा रहा है लेकिन जिसकी आपने परवाह नहीं की थी। उस व्यक्ति के साथ जुड़िए जो आपके साथ आपके मन को होने वाली खुशी तक खड़ा रहने वाला है, और वो इंसान आपके अलावा दूसरा कोई और हो ही नहीं सकता। आप वो अकेले इंसान हैं जिसके साथ अगर आप जुड़ गए तो फिर आपको इस दुनिया में किसी और दोस्त की जरूरत नहीं। खुद से जुड़ी एक आपका जितना समय उसे देते थे वो खुद को अपने आप को खोजने की कोशिश कीजिए। आपकी मनचाही और अच्छी जगह पर घूमने जाएं। जो भगवान उसमें नजर आता था उसे अपने आप में देखने का प्रयास कीजिए। अपने जीवन को मजेदार तरीके से जी, खुद को इस बात के लिए साबित कीजिए कि आपके खुद के अलावा आपको ज्यादा खुश और कोई नहीं रख सकता, और आप अकेले हो। बहुत सारी चीजों को इस संसार में अकेला ही होना पड़ता है। आप भी इसी प्रकृति का हिस्सा हो, आप भी उसके द्वारा बनाए गए हैं जिसने इन सबको बनाया है। पॉइंट नंबर थ्री, खुद से ही कमेंट करना होगा। अपनी खोई हुई वैल्यू, खोई हुई कदर वापस पाने के लिए आपको भावुक तस्वीर बनाए रखनी पड़ेगी। कोई जलन नहीं, कोई बदले की भावना नहीं, अपने मन को शांत रखना होगा। शांत रहकर चीजों को समझना सीखो, शांत रहकर लड़ना सीखिए, और जीतकर अपनी वैल्यू अपने आप बढ़ाना सीखिए। शांत कैसे रहेंगे? जब खुद के बारे में अच्छा सोचेंगे, खुद को इस बात के लिए तैयार करोगे कि किसी के वैल्यू कम करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मेरा कुछ कम नहीं होता क्योंकि मैं किसी के निर्णय का मोहताज नहीं है। खुद को लूजर वाली भावना में कभी ना लेकर आए। किसी ने अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं दी तो उसमें उसका नुकसान है, आपका इसमें कुछ नहीं जाता था। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप क्या है, आपको पता है कि आपकी हर क्या है, आपको पता है कि आपकी क्षमता क्या है। पॉइंट नंबर फोर, अपने करियर पर लक्ष्य केंद्रित करें और अपने काम में मस्त हो जाएं। अपनी खूबियों को आप ही ढूंढ कर निखारे, अपने जुनून को समझे, अपने अच्छे शौक को तेज करें। खुद को इतना व्यस्त कर दें कि समय को भी आपसे मिलने के लिए समय लेना पड़े। अपने आप को अपने सपनों के लिए इतना व्यस्त कर दो कि आप प्रतिष्ठा, भेज दी, वैल्यू, कदर इन सब शब्दों से परे हो जाएगा। और जब आप इन सब चीजों से दूर जाओगे ना, अपने एक एक पल को काम में और केवल अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करते में लगा दो। अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करते रहे हो तो फिर आपके पास समय नहीं होगा किसी से बेइज्जत होने का, अर्थ होने का, या किसी दर्द को महसूस करने का। अगर लोग का काम है आपको बेइज्जत करना, आपकी वैल्यू नहीं समझना, तो आपका भी काम है सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना। अपने जीवन में लोगों को नहीं बल्कि सपनों को चेंज करना होता है। अगर लोगों को चेस करोगे तो लोग आएंगे, और लोग आएंगे तो वापस भाग भी जाएंगे, लेकिन सपने पूरे नहीं होंगे। और अगर सपनों को करोगे तो सपनों को तो आना ही है, और साथ में लोग भी आएंगे। लोगों ने आपकी बात मानी जाएगी, कई लोग आपसे सीखेंगे, आपकी वैल्यू की जाएगी, आपकी इज्जत की जाएगी, आपका सम्मान किया जाएगा। और जब आपको आपकी खोई हुई वैल्यू वापस मिलने लगे तो पॉइंट नंबर पाँच आपके काम आएगा। पॉइंट नंबर फाइव से किसी की वापसी नहीं होगी। जिस व्यक्ति ने आपकी कदर नहीं की, जो आपकी दोस्ती, आपके प्यार को नहीं पहचानता था तब जब आप कुछ नहीं थे, या तो आप दोबारा उस व्यक्ति की जिंदगी में न जाएं, या उसको आपकी जिंदगी में न आने दें, फिर से उस इंसान की जिंदगी में जाकर खुद की वैल्यू कम न करें, क्योंकि आपने तो खुद को अब बदल दिया है। लेकिन वह बदला है कि नहीं बदला है इसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा। उन बुरे दिनों से सबक लेकर आप अपनी मेहनत के बल पर आज यहाँ पर खड़े हो, यहाँ तक पहुँचे हो। आपको फिर से वही गलती दोहरा के उस परिस्थिति में वापस नहीं जाना है। अभी आपने ये जो नया रूप बनाया है, नई इज्जत पाई है, तो आपको अभी इस नए रूप में ही रहना है, नहीं तो फिर से सभी लोग आपको फिर से हल्के में लेना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपकी वैल्यू फिर से अपने आप कम होने लगेगी।
जब उस इंसान को आप पूरी तरह से भूल जाऊंगा और जब वो फिर से आपकी जिंदगी में आने की कोशिश करे, तो उससे कहो कि भाई सॉरी, अब मेरी लाइफ में तुम्हारी जगह नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें रहना है तो रहो, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जगह मैंने अब किसी भी इंसान को देने के बजाय अपने आप को दे दी है। अगर फिर से मैं तुम्हें वही जगह दे दूंगा तो तुम फिर से वही किस्सा दोहराव गए जो तुम आज तक करते आए हो, जो तुमने पहले किया था मेरे साथ। देखिए, इज्जत और वैल्यू चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर से अपनी इज्जत को पाकर, अपनी वैल्यू को बढ़ाकर, अपनी मेहनत के दम पर उसको वापस खो देना आपकी बेवकूफी है। प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आपको अब आपकी राशि के बारे में भी बता देते हैं। दोस्तों, आपका दिन कैसा रहने वाला है? बिजनेस, स्वास्थ्य, परिवार? दोस्तों, हम आपको बता दें, आपका ग्रह गोचर इस समय बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत कुछ देख लिया, पर आप दोस्तों सब दुख आपके समाप्त होने वाले हैं। कि कितने गोचर ही ऐसा बता रहा है आपका के लिए शांत रहें, क्योंकि मित्रों, जब तक हालातों पर काबू नहीं पाएंगे, कुछ न कुछ दिक्कतें बनी ही रहेगी। किसी के साथ नई परियोजना या भागीदारी वाले व्यवसायों को करने से बचें, अच्छे प्रो, क्योंकि इस वक्त आपको एक अच्छा साथ ही नहीं मिल रहा है, और हर किसी पर यदि आप आंख बंद करके भरोसा करने लगे तो दिक्कतें बढ़ा सकती है। इसलिए सलाह दी जाती है कि इस वक्त भागीदारी व्यवसाय को छोड़ दिया। वही मित्रों, आप उन कामों को करना पसंद करेंगे जिन्हें आप बचपन के दिनों में करना पसंद करते थे, क्योंकि इससे आपको पुरानी यादें भी ताजा होगा और सुकून भी मिलेगा और बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंचते भी हैं। इसलिए दोस्तों, आप फिजूल की बातों में अभी अपना वक्त बर्बाद न करें, समय को नष्ट न करें, और अगर करते हैं तो इसे बंद कर दें। ईश्वर में और अपने आप में पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि जहां विश्वास होता है, जहां आस्था होती है, वहां ही चमत्कार होता रहता है। याद रखें विद्रोह। दोस्तों, जानते हैं कि आपके जीवन की सबसे ज्यादा परेशानी न वाले कौन लोग होते हैं? तो ऐसे लोग होते हैं जो आपको समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल नहीं पाते हैं, जो अपने आप को बदलना नहीं जानते हैं। ईश्वर इस समय की मार से जो है वह बुरी तरीके से पीड़ित रहते हैं। यही समय का खेल है, यही ईश्वर का खेल है, लेकिन आपको अपने अंदर एक बहुत बड़ा अच्छा और इंसान छुपा है। आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। आपकी राशि के जातक समय के अनुसार अपने आप को बदलना अच्छी तरह से जानते हैं और अनुभव के आधार पर आगे बढ़ा भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कि यदि आपके प्रेम जीवन काफी खराब चल रहा है, यानी परेशानियां चल रही हैं, या वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही हैं, या फिर अब तक आपको सच्चा प्रेम नहीं मिल पाया है, तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले तो हम प्रेम के विषय में और किसी वीडियो में हम बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को काफी लंबी हो चुकी है, इसे भाग्य का अच्छा होना कह सकते हैं, या इसे नियति का विधान कह सकते हैं। दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना हम आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? तो मूल बात यहाँ पर यह है कि आपको अपना जीवन बदलना है। आपके जीवन में परेशानी है, चाहे वह परेशानी किसी भी प्रकार की हो, फिर चाहे वह पैसे रुपए की तंगी हो, मानसिक पीड़ा हो, चिंता हो, तनाव हो, या फिर घर में क्लेश है, रिश्ते नातों में परेशानी है, किसी भी प्रकार की परेशानी है, कहीं ना कहीं यह आपका बिगड़ा हुआ ऊर्जाओं का स्तर है, संतुलन है, तो अभी से आपको ठीक करना है और यह आपकी जिम्मेदारी है। तो कोई और यह आपके लिए नहीं कर सकता है, यह बेहद ही व्यक्तिगत मामला है। तो अब आप यह कैसे करेंगे, बस इसी विषय पर हम प्रकाश डालने जा रही है। ध्यान से समझिए, हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ चीजें लाती रहती हैं और कुछ चीजें हटाते रहते हैं। कभी हम गाड़ी ले आते हैं, कभी हम मोबाइल खरीद लाते हैं, कभी हम अलग अलग प्रकार के कपड़े जूते अपने लिए लेकर आते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि इन चीजों से एक खास प्रकार की ऊर्जा निकल रही होती है और यह ऊर्जा हमारे मन को, हमारे जीवन को प्रभावित कर रही होती है। इस वजह से हमें
इसी चीज से अच्छा और किसी चीज से बुरा महसूस होता है। तो अब आप समझिए कि जब साधारण सी चीजों में ऊर्जा होती है कि वे आपको अच्छा या बुरा महसूस करवा सकती है, तो यदि डिब्बे चीजों की बात की जाए जैसे रुद्राक्ष है, यंत्र है या फिर तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो उनकी अंदर तो बेहद ही शक्तिशाली ऊर्जा होती है, तो उसका तो आपके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव रहेगा। तो बस इसी बीच इस और गहरे विषय को आज हम आपको स्पष्ट तौर पर समझाने जा रही है। यहीं पर हम आपको आपके ही जीवन में कुछ ऐसी डिसीज गलतियां हैं जो आप लगातार कर रही हैं, इनके बारे में भी हम आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। तो बस आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी बीच में इसे छोड़कर जाना नहीं दोस्त, अन्यथा आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा लेंगे। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको जो बताने जा रहे हैं, आपके घर में दो ऐसे स्थान हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये दोनों ही स्थान बेहद ही महत्वपूर्ण है वास्तु शास्त्र के अनुसार और लाल किताब के अनुसार इन दोनों स्थानों का बहुत महत्व है। अब ध्यान से समझिए, आपके घर में जो ईशान कोण है यानी कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में बनने वाला कोण, इसे हम ईशान कोण कहते हैं। इस ईशान कोण में आपको एक वस्तु रखनी है और उसे एक वस्तु से इतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा निकली जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल डालेगी। अब हम आपको उसे एक वस्तु के बारे में बताएं, उससे पहले हम आपको कुछ विशेष सावधानियों के बारे में भी बता दें, क्योंकि दोस्तों आपने यदि इन सावधानियों को नहीं बरता यानी लापरवाही की, तो इस एक वस्तु से कोई भी विशेष लाभ आप नली नहीं पाएंगे। कोटा अक्सर यही है कि कई बार हम बहुत ही शक्तिशाली उपाय अपनी वीडियो में बताते हैं, फिर भी लोगों के ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमने उपाय कर लिया फिर भी हमें कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ। तो जब उनसे और गहराई से बातें की जाती है तो पता चलता है कि उपाय तो उन्होंने कर लिया, लेकिन कुछ बड़ी गलतियां भी हैं जिन्हें भी लगातार दोहराते चली जा रही हैं, तो उस उपाय का उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर जब उनकी गलतियों को सुधार दिया गया तो उनको उस उपाय से लाभ भी प्राप्त हुआ, और जिस विशेष कार्य के लिए उस उपाय को किया गया था वह भी फलित हो गया। जैसे कुछ कर्ज के लिए होती है, कर्जा समाप्ति के लिए, कुछ लड़ाई झगड़े से मुक्ति के लिए होते हैं, विवादों से मुक्ति के लिए होती है, तो अलग अलग प्रकार के उपाय होती है। तो अब इसे एक वस्तु से जुड़े हुए सावधानियों के बारे में पहले आपको हम बता दें, आपके घर का ईशान कोण है उसमें दो बातें कभी नहीं होनी चाहिए, पहली कि वहाँ अंधेरा अभी नहीं होना चाहिए, दूसरा कि वह कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। अब गंदगी से हमारा मतलब है कि लोग वहाँ डस्टबिन रख देते हैं, जूते चप्पल रख देते हैं या किसी अन्य प्रकार की टूटी फूटी चीजें रख देते हैं। उनका कोई कमरा है जो ईशान कोण में पड़ रहा है, तो वहाँ उन्होंने रोशनी की ही व्यवस्था ही नहीं करवा रखी है, बल्ब ही ठीक से नहीं लगाए हैं, या फिर वहाँ पर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। तो ऐसी चीजें यदि आपके घर के ईशान कोण में हैं, यानी कि नकारात्मक चीजें हैं, तो आप इस उपाय को कर भी लेंगे तो आपको कोई विशेष लाभ होगा नहीं। कारण यह है कि ऊर्जाओं का संतुलन तो सही होगा या नहीं, और जब संतुलन बिगड़ा रहेगा तो लाभ मिलने का तो कोई अवसर ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके घर का जो ईशान कोण है, पहले तो ठीक से उस ईशान कोण का पता लगाइए। अब आप इसे कैसे पता लगाएंगे, यदि आप साधारण तौर पर देखेंगे तो आप कहेंगे कि जहां सूर्य निकल रहा है वह दिशा है, सही भी है, लेकिन कभी कभी इसका अंदाजा गलत हो जाता है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि लोग सीधे इशारा करके बोलते हैं कि यह पूर्व दिशा है, लेकिन जब गौर से देखा जाए तो वह पूर्व दिशा निकलती ही नहीं है, यानी कि कुछ अंश कुछ डिग्री का अंतर रहता है। इसके लिए आपको सूर्योदय के समय जाग कर देखना होगा, अपने घर की छत पर जाकर किशोरी किस दिशा में निकल रहा है, ठीक उसी दिशा में आपको अपने घर की छत पर खड़े हो जाना है, यानी छत के बीचों बीच सूर्य निकलने की दिशा में अब वह पूर्व दिशा है और आपकी पीठ पर पश्चिम दिशा है, बाएं हाथ पर उत्तर और दाएं हाथ पर 10:36 है। अब आपको अपने घर के कोने मार्क कर देने हैं
यानी चिन्हित कर देना है कि इस कोने में यह दिशा है, उस कोने में वह दोसा है। दोस्तों आप समझ रहे हैं, यदि आप दिशाओं का और कोणों का यूनिकोड का सही अंदाजा नहीं लगा पाएंगे तो फिर उपाय विफल हो जाएगा, क्योंकि हर कोने की अपनी एक अलग क्या है, हर कोने में अलग शक्ति का वास होता है। जैसे ईशान कोण में भगवान भोलेनाथ का वास होता है, पूर्व दिशा में सूर्य भगवान का वास होता है, पश्चिम दिशा में शनि देव का वास होता है, इसी प्रकार उत्तर दिशा में को वीर का वास होता है। तो हर दिशा और हर कोण का अपना अलग महत्व है। तो आपने यदि गलती से उपाय की कोई वस्तु इस होने के बजाय उस कोने में रख दी तो उसके नकारात्मक परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसका एक तरीका तो यह है कि आप अपने घर की छत पर जाएं, सूर्योदय के समय देखें कि सूर्य किस दिशा में निकल रहा है। इससे आप भली भांति पता चल जाएगा कि बहुत सारे घर हमने ऐसे देखे हैं कि वह पीछे बने होती है, यानी कि उनके घर के कोने में पूर्व दिशा पर रही होती है, और उन लोगों को असल में इस बात की गलतफहमी रहती है कि सामने पूर्व दिशा है, लेकिन पूर्व दिशा असल में थोड़ी सी कोने में होती है, तिरछी होती है। तो यह सब आपको जानना बहुत अनिवार्य है। अब आपने अपने घर में ईशान कोण का पता लगा लिया है, यानी पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के ठीक बीचों बीच के हिस्से को ईशान कोण कहेंगे। भगवान भोलेनाथ का यह वास होता है, बेहद पवित्र स्थान है। यह है, इस स्थान को पहले आपको साफ सुथरा करना है, किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, प्रकाश की भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए, सुगंधित पुष्प ऐसे स्थान पर आप है यदि नहीं लगा सकते तो केवल मनी प्लांट ही लगाइए, क्योंकि अगर आपके घर में कमरा बना हुआ है ऐसे स्थान पर तो आप वहां पर फूल पौधे नहीं लगा पाएंगे, तो आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, वह कमरे के अंदर भी फलित हो जाता है, यानी कि खूब फलता फूलता है। तो आप मनी प्लांट लगाइए, यानी हरे भरे पौधे लगाना अनिवार्य है। और इस स्कोर पर आपको शाम के समय एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि शाम के समय प्रदोष काल होता है, और प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आपके घर में अवश्य ही आते हैं, यह उनका समय होता है। तो ऐसे में यदि आप ईशान कोण में दीपक जलाए गए तो आप समझ में कि भगवान भोलेनाथ बहुत खुश हो जाएंगे। जब भोले बाबा प्रसन्न हो गए तो फिर सब कुछ अच्छा ही होना है। तो यह क्रिया आपको करनी है। अब बात करती है उस चीज के बारे में जिससे हमने यह वीडियो शुरू किया था, यानी कि वह खास चीज कौन सी है। तो ध्यान से सुनिए, आपको सोमवार के दिन यह उपाय करना है और फिर नित्य सुबह आय को ज्यों का त्यों बने रहना है, यानी एक बार करना है फिर इसे ज्यों का त्यों आप वहीं ऐसा ही छोड़ दे। तो ध्यान से सुनिए, आपको एक तांबे का लोटा लेना है। जी हाँ दोस्तों, तांबे का लोटा लेना है, साफ सुथरा स्वच्छ होता लेना है, और उस लोटे में आपको पीली सरसों पूरी भरती नहीं है, ऊपर तक पूरी हुई पीली सरसों आपको भर देनी है, और इस लोटे को आपको अपने घर के ईशान कोण में रख देना है, जहां दोस्तों अब आप शाम के समय जो दीपक जलाएंगे उस दीपक को आप इस लोटे के ऊपर ही रखकर जलाएंगे। अब आप लोटे के ऊपर कोई ढक्कन बगैर नहीं रखेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।